नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। आपसी विवाद में लाठी और बल्लम से पीट पीट कर किया अल्लाहुलुहान। जी हां, आपको बताते चलें कि ग्राम जगातपुर थाना करंडा में बच्चों के आपसी खेलों में उत्पन्न छोटे से विवाद ने आज एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सर, ये 10 तारीख को हमारे गाँव सभा के अंदर में विद्यालय में लड़के बॉलीबॉल खेलते हैं। बॉलीबॉल खेलने में ही मतलब दो बच्चों में विवाद हो गया, तो विवाद होने पर बच्चे को पीट दिया गया। फिर विवाद जब अब उसके बाद में लोगों ने सोचा शांत हो जाए, तो शांत नहीं हुआ सर। ये फिर 12 तारीख को शाम को 4 और 5 के बीच। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सर। पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है बेचू जी? हमारे बच्चे से खेल कूद में इन लोग पकड़ कर मार दिए थे सर, और शाम को हमला कर दिया घर में घुस कर सर। लोन लोहान हो गए, बदनाम कर जाकर सब चला। तो इसकी शिकायत आपने थाने पे किया? थाने पर नहीं किया सर, लड़कों को मारे थे, थाने पर नहीं किया। हमने बोले चलो बच्चे बच्चे खेलने हैं, उसके बाद में सब समझौता हो जाएगा। फिर लोग माने नहीं, घर में घुस कर हम लोग को बदनाम से लोन लोहान कर चाकू सब हमारे बच्चा है छोटा है, उसको मात्रा में घोष कर दिए, पूरा लहू लुहान हो गया। फिर उसके बाद में घर में घुस कर मार रहे थे सर। हमारे भाई है, सबको गड़सा बल्लम। आपको भी चोट लगी है? बहुत चोट लगी सर, हमको बल्लम मारे हैं, इधर हाथ में मारे हैं। हमारा लड़का कभी की आँख भाई का चाकू मारे थे सर। मतलब वो मारने वाले भी घूम रहे हैं कि बंद हैं? मारने वाले मार कर घूम रहे हैं, और पुलिस ने ले गया सर, ले जाकर एक आधे घंटे में छोड़ दिए सर। हम लोग घर ही में बैठे हैं, डर लग रहा है कि फिर मारने के लिए आ रहे हैं। धमकी भी दे रहे हैं क्या? बहुत धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको जो मार कर घर में कर दो सबको, और बाहरी भी बुला रहे हैं सर। 4-5 बाहरी रहर में जुटे हुए थे, रात में हमला कर। तो हम लोग अभी तक भरे में हैं सर।